हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पिटस अकेडमी। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आपका एग्जाम नज़दीक है और एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिया गया है एसएससी सीजीएल का, ठीक है। जिनको भी टीयर वन देना है वो सभी अपना जो फॉर्म फिलअप किए हैं सारे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट कर लें और सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी साइंस के लेसन में आगे जो इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साइंस के लेसन में हम लोग आगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, ठीक है। अंतरस्रावी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो आपको क्वेश्चंस हैं वो बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर क्या किए कि बायो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें अलग कर करके यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। ऑप्शंस हैं अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या फिर परावटु, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है परावटु वो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बायोलॉजी में जो है जो बायो के स्टूडेंट होंगे उन्हें ही ज़्यादा मतलब इनके नॉलेज होगा, लेकिन हम लोग जो है बायो के स्टूडेंट नहीं है इसलिए इनका लैंग्वेज थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम लोग यहाँ पर जरूर देख लेंगे ताकि अगर आए तो हम वहाँ पे कन्फ्यूज ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, पक्यावसे या फिर ब्रिक, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यकृत यानी कि लीवर बोला जाता है, ठीक है इंग्लिश में। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, यानी कि कौन सा ग्रंथि जो है वो टीयर निकालती है यानी कि अश्रु स्रावित करती है, ठीक है। ऑप्शन है लैक्रिमल, पीयूष, अवटु या फिर अग्नाशय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लैक्रिमल ग्रंथि जो है वो अश्रु को स्रावित करते यानी कि आंसू को स्रावित करती है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं मादा जनन हार्मोन है इनमें से कौन सा, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मादा जनन हार्मोन इनमें से ये तीनों है जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर रिलैक्सिन, ये तीनों जो है मादा जनन हार्मोन्स है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, नर लैंगिंग हार्मोन है, नर यानी कि जो फीमेल लैंगिंग हार्मोन्स है उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है एड्रेनालिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर FSH, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक नर लैंगिक हार्मोन है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या फिर एक्सो ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एड्रेनलिन जो है एक उसे बोला जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, यानी कि कौन सा जो चीज है हमारे बॉडी में वो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, ठीक है। ऑप्शन है अधिवृक्क, अवटु, थाइमस या फिर पीत पिंड, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रक्तदाब को नियंत्रित करता है अधिवृक्क, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर उपयुक्त सभी। तो जो जीवन रक्षक हार्मोन है वो एड्रेनल से स्रावित होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो एड्रेनल से स्रावित होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो
मानव शरीर की जो ग्रंथि है वो एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, वो कौन सा ग्रंथि है? तो ऑप्शंस है अग्नाशय, यकृत, पीयूष या फिर थायराइड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखते हैं, इंसुलिन एक प्रकार का है, ठीक है, क्या? प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम या फिर विटामिन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? किस अम्ल के जमा हो जाने से जो है वो मांसपेशियों में मनुष्य को जो है थकावट जो है वो महसूस होती है, ठीक है। ऑप्शंस हैं लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर पाइरूविक अम्ल, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण हमारे मांसपेशियों में जो है हमें थकान जो है वो महसूस होती है। राइट आंसर आपका ए है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। आगे देखते हैं, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जब आप अपना आँख दान करते हैं तो वहां पर जो है कौन सा पार्ट जो है वो दान किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या फिर संपूर्ण आंख। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जब आपका नेत्रदान होता है तो वहां पर जो है कॉर्निया को अलग कर लिया जाता है, मींस कि वहां पर कॉर्निया निकाला जाता है, वही हो गया, ठीक है। तो नेत्रदान में जो है आपका कॉर्निया यूज किया जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है, यानी कि जब नेत्र में हमारे आंखों में जो है रोशनी पहुंचती है तो ये किस अंग के द्वारा पता चलता है, ठीक है। ऑप्शन है कॉर्निया, कॉयराइड, रेटिना या फिर आयरिस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आयरिस पर जो है सबसे पहले प्रकाश पड़ता है और तब हमें पता चलता है, मतलब कुछ भी जो है हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो आयरिस पर सबसे पहले प्रकाश पड़ता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आंख किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है पिपिल, कॉर्निया, आयरिस या फिर रेटिना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी है, ठीक है। आंख का जो रेटिना होता है उस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज बनता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, जो त्वचा का रंग है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है इंजाइम, हार्मोन्स, एपिडर्मिस या फिर मेलानिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। त्वचा में मेलानिन की उपस्थिति होती है और उसके कारण जो है हमारे त्वचा का रंग पता चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें जो है त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, तलुए पर, हथेली पर, नितंबों पर या फिर सिर में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के में जो त्वचा होता है वो सबसे ज्यादा तलुए पर होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है? ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा या फिर यकृत। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, चमड़ा, यानी कि स्किन जो है हमारा त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि यकृत जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे यकृत, और यहाँ पर जो है पूछा गया है हमसे कि मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो चमड़ा, ठीक है। तो चमड़ा अगर ऑप्शन में रहे तो सबसे पहले चमड़ा ही हमारा, क्योंकि हमारे बॉडी को देखिए पूरा चमड़ा कवर किए हुए है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंग जो है चमड़ा ही है, उसके बाद ही यकृत आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, यानी कि जो हमारा स्किन है उसका अपर भाग जो है, अपर पार्ट, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। त्वचा का जो ऊपरी सतह है वह कहलाता है एपिडर्मिस, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कशेरुकी जंतु के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, केराटिन, हड्डी, एनामेल या फिर खोपड़ी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एनामेल, यानी कि जो दांत का पार्ट है एक, वो शरीर का सर्वाधिक कठोर
पार्ट होता है, यानी कि सर्वाधिक कठोर भाग होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग पूर्ण रुदवन को प्रदर्शित करता है? पूर्ण रुदवन, इसका तो इंग्लिश भी एग्जैक्ट हमको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस, प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क या फिर यकृत। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, किस प्राणी के शरीर का भाग अधिकांश भाग होता है? ऑप्शंस जो है यहाँ पे राइट क्लियर नहीं है, जल, रुधिर, अस्थि या फिर उत्तक। तो मनुष्य के शरीर में ज्यादा जो भाग होता है वो जल का ही होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की जो अशुद्धियां हैं वो कहाँ जाकर हमारे बॉडी के पार्ट में छनती हैं? ठीक है, ऑप्शंस जो है आपका फेफड़ा, वृक्क, यकृत या फिर हृदय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। मानव शरीर में जो रक्त है उसमें अशुद्धियां जो पाई जाती हैं और उसको छानता कौन है? वृक्क, यानी कि वृक्क में जो जाकर वो वहां पर छनती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का जो मूत्र होता है उसका रंग पीला क्यों होता है? ठीक है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल या फिर बाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन जो है वो किससे संबंधित है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यकृत, हृदय, वृक्क या फिर अमाशय। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, नेफ्रॉन जो है वो वृक्क से संबंधित है। आगे देखते हैं, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परसरण, विसरण, डायलिसिस या फिर सक्रिय बहन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी। जब साफ होता है हमारा ब्लड तो वहां पर जो है डायलिसिस किया जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की मात्रा जो है वो किस में पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में या फिर पसीने में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, मूत्र में। यूरिया की मात्रा जो है सबसे ज्यादा मानव मूत्र में पाई जाती है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव वृक्क अश्मीरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कौन सा? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है। आगे देखते हैं, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? हेनले का लूप, ठीक है, ये इसका कार्य जो है संबंधित है किससे? उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से या फिर तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है हेनले का हुप, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं चलिए देखते हैं, आस्था, इंदिरा, डॉली या फिर ल्यूस। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन था, तो अगर आपको याद है तो आपको ये कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, यानी कि डक्ट लेस है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर गुर्दा। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या है? इंदिरा या डॉली, आपको बताना है ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। इनमें से ही कोई एक राइट आंसर है, अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो आपको बताना है राइट आंसर, लेकिन बी या सी आपके लिए क्लू है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या है, ये बायोलॉजी के स्टूडेंट अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग बायो के बस क्वेश्चंस को जो है याद कर ले रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है बस उसको हम लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनसे संबंधित क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और अगर आए तो हम वहाँ पे सोल्व कर पाए। ठीक है, ऑप्शंस है एड्रिनल, प्यूटरी, थायराइड या फिर यकृत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, यकृत, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत। ठीक है, वो एक बहिःस्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मानव शरीर के किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है अग्नाशय, अवटु, पीयूष या फिर प्लीहा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कहा जाता है पीयूष को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? हम लोग सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं छोटी ग्रंथि। ठीक है, छोटी ग्रंथि जो है कौन सी है देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है यकृत,
थायराइड, पिट्यूटरी या फिर लार ग्रंथि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा ग्रंथ जो है, ग्रंथि जो है वो आपका पिट्यूटरी है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होती है हमारे शरीर में, ठीक है। ऑप्शन है मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गला में या फिर किडनी में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर नहीं आया है क्योंकि ऑप्शन सिर्फ दो ही आए हैं यहाँ पे, अच्छा चौथा, चारों ऑप्शन हैं, चलिए हम स्क्रॉल किए ही नहीं थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 96 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, TSH, ठीक है। TSH आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इनमें से जो है लगभग 20 क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको हम लोग देख लेते हैं, आप भी उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो वो है आपका यकृत। उसमें कौन सी ग्रंथि जो है अश्रु स्रावित करती है, तो लैक्रिमल। मादा जनन हार्मोन कौन सा है इनमें से, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इनमें से जो है ये सभी है। नर लैंगिक हार्मोन इनमें से कौन है, तो वो है टेस्टोस्टेरोन। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एड्रीनेलिन, ठीक है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, रक्तदाब का जो है नियंत्रण कौन करता है, तो वो करता है आपका अधिवृक्क, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वो होता है एड्रिनल से, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन जो है वो है आपका एक प्रकार का हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर था, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में आए इनसे संबंधित क्वेश्चन तो आपका गलत ना हो, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, आपको और भी कल दिए जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से देख कर इन्हें याद करते जाइएगा, आपको और भी जो है साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं कल के क्लासेस में, थैंक यू।